पटना सिटी में अपराधियों का कहर। रजनीश नाम के छात्र को मारी गोली, हालत नाजुक बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां देर रात गोपालपुर थाना क्षेत्र के बैरिया में अंधाधुंध फायरिंग कर लोगों में दहशत बनाया गया। फिर बेखौफ होकर अपराधियों ने इंटर के छात्र रजनीश को गोली मार दी और फरार हो रहा था कि पीड़ित के परिजन और गांव वाले खदेड़ कर एक अपराधी सुबोध उर्फ पांडा को पकड़ लिया और जबरदस्त धुनाई कर दी। सूचना मिलते ही गोपालपुर थाना दल बल के साथ मौके पर पहुंची और अपराधी को गिरफ्तार कर थाने लाई। अपराधी के पास से पिस्टल भी बरामद किया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है, जबकि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। रिकॉर्डिंग करते हैं सर, चालू कर रिकॉर्डिंग सर। पिस्टल है सर, पकड़े, गोली मार दिया है, गोली से पकड़ के रखे हैं हम लोग। रुमाल है सब, हाथ से पकड़े छीने है, सब छीन छान लिए है, सब छीन छान लिए, छीन छान लिए सब लोग। इंडिकेट किए थे सर आपको। अच्छा, गाड़ी पिस्टल का पिस्टल सर उठाया, पिस्टल 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 देख लिया, पिस्टल देख लिया, कहाँ पिस्टल कौन सर के पास है। अरे यार, थाना प्रभारी हैं हम। हम लोग पहले ही कहे थे सर क्राइम का, देखिए देखो सर क्या करेंगे सर, हम लोग पहले ही बोल दिए थे अपराध सारे। उमेश राय के लड़का है, सुबोध नाम है।